हमारी मिनी चांदनी की खूबसूरती पर आप भी फिदा हो जाएंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि बहुत ही खूबसूरत यह पौधा रहता है, तो इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसका कटिंग कैसे किया जाए कि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। तो आप देखे होंगे कहीं भी रास्ते वस्ते में आपको दिखाई देता होगा, यह पौधा बहुत ही होटल वगैरह में लगा रहता है, तो बहुत ही खूबसूरत इसका कटिंग किया जाता है। तो आज हम इसके कटिंग करने का आपको तरीका बताएंगे और इसमें कौन सा ऐसा खाद देते हैं जिससे पूरा साल यह पौधा हमारा खूबसूरत फूलों से भरा रहता है और कभी भी फूल आना इसमें बंद नहीं होता। तो देखिए जहां हम लगाए हैं वहां धूप कम आती है, फिर भी यह पौधा अभी भी कली बनाए हुए है और अगला नया पत्ता दे रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि फरवरी में ही हम इसकी कटिंग कर देते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा बारिश और मौसम की वजह से, समय के अभाव के कारण हम इसका कटिंग नहीं कर पाए। अब हम मार्च में इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो फरवरी या मार्च में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको करना क्या है कटिंग करने का, ये सबसे पहले तो आपको अपने पौधों से मोह नहीं करना है। अगर आप अपने पौधों से मोह करेंगे तो आपके पौधे बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे। आप सोचेंगे कि हम इतने बड़े ब्रांच हटा दिए तो फिर हमको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें टहनियाँ हैं, लेकिन मैं इसको हटा दी और इसी तरह से इसी लाइन में हम एक लाइन से हम इसको काटेंगे ताकि जब भी इसके ब्रांच आए तो पौधा फिर गोल मटोल बन जाए। और हमको इसको शेप ही देना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब इसको अच्छे से हम शेप दे देंगे तभी यह पौधा देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा और जब फूल आएंगे ना तो बिल्कुल तारों जैसा यह हमारा पौधा लगेगा, जैसे लगेगा कि बिल्कुल तारे बिछे हुए हैं आसमान में। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं चारों तरफ से। तो इस समय हमारा यही काम है, हम अपने गार्डन के हर पौधों की कटिंग कर रहे हैं, जो जिस लायक है उस तरह का उसको खाद दे रहे हैं, तभी हमको अच्छे रिजल्ट पूरे साल मिलते हैं। तो पूरे साल अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आपको भी यह काम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसे अपने हर पौधों का केयर करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से हम इसकी सभी कटिंग कर दे रहे हैं। तो देखिए कटिंग करके बिल्कुल एक लेवल में हम इसको कर दिए, बिल्कुल खूबसूरत अभी यह देखने में लग रहा है। तो इस तरह से अब इसमें हम जैसा कि हर पौधों में लगाते हैं एलोवेरा लगा दे रहे हैं सभी पौधों में, सभी ब्रांचों में, ताकि ब्रांच बहुत जल्दी आ जाए। थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है तो लेट ना हो, क्योंकि बहुत अच्छा जैसे ही ब्रांच आएंगे कलियों के साथ आएंगे और बहुत अच्छे फूल फिर हमको मिलने लगेंगे। अब इसमें हम पूरा एलोवेरा लगा करके अब हम इसको खाद देंगे। तो लीव कंपोस्ट इकट्ठा करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप यह काम करिए, अपने घर में लीव कंपोस्ट इकट्ठा करिए। देखिए एक एक पौधे से इतनी ढेर ढेर सारे मिल जाते हैं। अब हम इसकी हल्की सी गुड़ाई करेंगे, बिल्कुल वेल्ड्रेन मिट्टी है, इसे कुछ करना नहीं है, सिर्फ हल्की सी गुड़ाई करनी है और बहुत ज़्यादा इसको हमको खाद भी नहीं देना है क्योंकि पौधा बड़ा है। तो हम इसमें बहुत ऐसा चीज़ देंगे जो कि तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, जिस चीज़ की इसको ज़रूरत है। जब पौधे छोटे रहें तभी आपको उसको ज़्यादा खाद वगैरह देने की ज़रूरत है, और जब बड़े हो जाएँ तो बस सिर्फ थोड़ा बहुत ही इसका केयर चाहता है। और हमेशा नहीं, जब इसमें फूल ब्रांच आ जाएंगे, फूल आना शुरू होंगे, उस समय हम इसको थोड़े ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना करके दे देंगे, तो आपसे वीडियो भी शेयर करेंगे। इस समय हम आप इसको जो है सबसे ज़रूरी चीज़ देंगे ये मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि पत्ते जल्दी से इसमें आ जाए और हरे भरे आए। तो इस तरह से हम इसको देंगे 2 चम्मच, क्योंकि पौधा थोड़ा बड़ा है तो 2 चम्मच हम इसको इस तरह से चारों तरफ गिरा देंगे। तो हर पौधे के उम्र के हिसाब से आपको ये चीज़ें देनी है। मैग्नीशियम सल्फेट मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और दूसरा चीज़ हम इसको देंगे, देखिए यह है फिटकरी, इसे भी देना ज़रूरी है क्योंकि मिनी चांदनी की भी मिट्टी एसिडिक रहती है तभी उसमें फूल अच्छे आते हैं। तो इस तरह से फिटकरी भी हमको लगभग 1 चम्मच के करीब इसमें डाल देना है। थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, अगर आपका पौधा छोटा है तो कम मात्रा ही दीजिए। उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ देनी है इसको, चूना। जैसा कि हम आपसे बताते हैं कि चूना इस समय हर पौधों को देना ज़रूरी है क्योंकि हम गर्मी के लिए पौधे को तैयार कर रहे हैं।
अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज देंगे इसमें, ये बर्मी कंपोस्ट। तो आप अगर सड़ी हुई गोबर की खाद भी दे सकते हैं, अगर दे रहे हैं तो थोड़ा मात्रा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि उससे भी ज़्यादा यह ताकतवर होता है। तो इस समय पे हम अपने हर पौधों को यहीं दे देते हैं। तो एक आध बोरी या झोले आप ले लीजिए 10-5 केजी, और अपने हर पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसको मिट्टी से हम ढक देंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे। बस इस समय इसका यही केयर है। इसके बाद जैसे ही इसमें नए नए पत्ते आएंगे, कलियां बनना शुरू होंगी, तब हम इसको पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम युक्त ऐसा फर्टिलाइजर देंगे घरेलू, जिससे कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और बहुत ज़्यादा ब्रांच इसमें आ जाए और ढेरों फूल खिले और हमारे गार्डन की खूबसूरती बरकरार रहे। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको आज का ये वीडियो। पसंद आया होगा तो शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।